नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि भी आपने थंबनेल के अंदर देखा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो एयरपोर्ट है ना उसकी रनवे के अंदर लाइटनिंग वगैरह होगा काम, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आई है और टेंडर वगैरह भी आ गया कि नेक्स्ट यानी टेंडर जारी करने से 6 महीने के अंदर आपको काम कंप्लीट करना होगा। तो पूरी क्या न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें। तो अभी आगे बढ़ते बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ना मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ यार। तो मैं कमेंट के रिप्लाई दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे आया था विनोद कुमार सर का, तो उनका कमेंट आया था कि सारे एयरपोर्ट पे जॉब वगैरह निकले। हाँ, तो अगर निकलेंगी तो मैं आपको 100% एक वीडियो आएगी उसके ऊपर। अभी तो यार कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी कंप्लीट होने में भी इसको टाइम लगेगा, उसके बाद आएंगी। तो अब आई होप आपने कॉमेंट देख लिया होगा। अब दूसरा कमेंट आया था हमारा देव सैनी सर भाई का, तो इनकी यार मैंने वीडियो भी यूज की थी, तो थैंक यू सो मच भाई आपने बनाने के लिए। वो आपने देखे होंगे एयरपोर्ट रनवे वाली, तो इनकी वो वीडियो थी। तो उसके बाद अभी इन्होंने पूछा है कि ये पूछा क्या है, सॉरी बता रहे हैं कि अभी एक एयरपोर्ट का भी काम पूरा नहीं हुआ है। हाँ भाई पता है यार, थैंक यू सो मच, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा इसको होने में। तो ये कुछ थे कमेंट, और अभी मैं आपको ना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ कि कौन सी क्या न्यूज है, वहां पे डिस्कस करते हैं पूरी न्यूज अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए फिर अभी बात करते हैं। आप है ना, ये मैं गैलरी ओपन करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे गैलरी ओपन कर लिया मैंने, और जो ये न्यूज़ अपनी दैनिक भास्कर का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर आई हुई है, तो आप चाहे वो भी देख सकते हो, कोई ये फेक न्यूज़ वगैरह नहीं है, पूरी रियल न्यूज़ है। रात में, अब देखिए पढ़ते हैं न्यूज़ में, रात में भी उतर सकेंगे हवाई जहाज़, 14.76 करोड़ से लगे ये Cat-2 Lite, यानी अभी नाइट लैंडिंग का भी किया जा रहा है यहाँ पे अपने सारे एयरपोर्ट के ऊपर। तो काफ़ी अच्छी बात है यार, वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद 6 महीने के अंदर करना होगा काम, यानी अभी वर्क ऑर्डर जारी टेंडर वगैरह होगा तो उसके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर काम करना होगा। अब देखिए ये इन्होंने क्या कहा है, एयरपोर्ट पर रनवे तैयार होने के साथ साथ हवाई जहाज़ की नाइट लैंडिंग भी हो सकेगी। नाइट लैंडिंग भी जरूरी है यार, इस प्रोजेक्ट पर करीब 15 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, यानी 15 करोड़ रुपए का लाइटिंग पे खर्चा आएगा। फिलहाल BADR की इलेक्ट्रिक विंग ने इसका 14.75 करोड़ रुपए तक का टेंडर जारी किया है। यार एस्टिमेट या अप्रोक्स इतना किया, लेकिन अप्रोक्स मान के चलो तो 15 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद 6 महीने के अंदर Cat-2 Lite लगाने का काम पूरा करना होगा, यानी मैंने बता दिया था कि जब लाइट लगेंगी तो 6 महीने के अंदर अंदर इनको काम पूरा करना होगा। नाइट लैंडिंग के लिए हिसार में Cat-2 Lite लगाने व लाइट लगने व करनाल भिवानी व नारनौल की हवाई पट्टी पर साधारण लाइट लगने संबंधित 40 करोड़ रुपये से अधिक का टेंडर किया था, यानी इनके जो अपनी भिवानी पट्टी करनाल और ये हवाई पट्टी है, साधारण लाइट लगने का यानी जो नॉर्मल लाइट है उनका 40 करोड़ किया था। तो यार इसका तो अब और भी बढ़ गया। तो भैया देखिए, Cat-2 ILS सिस्टम है ज़रूरी नाइट लैंडिंग के लिए। एयरपोर्ट के रनवे के साथ साथ Cat-2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS लगाया जाता है, इसे रात में विजिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी इससे ना विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और रनवे ग्राउंड पर यह लाइट्स लगाने से रात में हवाई जहाज उतरने में दिक्कत नहीं आती, तो एयरप्लेन को भी काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। अभी यहाँ पे देखिए, किनारों पर करीब 1400 लाइट लगेंगी। अब जैसे रनवे के साइड में वो होता है किनारे, तो उसके ऊपर भी लाइट लगेंगी। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज को नाइट लैंडिंग के दौरान डायरेक्शन देने के लिए वह किनारों पर करीब 1400 लाइट लगेंगी। यह लाइटें कलरफुल व सफ़ेद होंगी। डायरेक्शन के हिसाब से रनवे पर यह लाइट लगाई जाती हैं जो सतह पर लगती है, यानी ये डायरेक्शन को भी एक जस्टिफाई करती हैं। एरोप्लेन ऊपर जा रहे तो लाइट वगैरह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, नाइट लैंडिंग को लेकर रनवे के साथ साथ लगने वाली Cat-2 Lite लगने के लिए करीब 14.76 करोड़ रुपये का टेंडर लिया है नवीन कुमार, NSI BADR इलेक्ट्रिक विंग। तो ये नवीन कुमार थे, तो इन्होंने बताया कि अभी नाइट लैंडिंग का भी काफ़ी अच्छा है। तो यार चलो काफ़ी अच्छी बात है, अभी नाइट लैंडिंग भी हो जाएगी और भी काफ़ी सारा अभी एयर में वो, अभी फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आई होप ये कुछ थी न्यूज़। आपने न्यूज़ देखा कि यार अभी अप्रोक्स 15 करोड़ के आसपास इसका जो टेंडर वगैरह का सब कुछ खर्चा बताया गया है, तो नाइट लैंडिंग होगी इसके ऊपर, विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सही है यार, नाइट लैंडिंग भी होनी चाहिए और फिर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर इस का, तो काफ़ी मज़ा आएगा। एक दिन हम भी चलेंगे हवाई जहाज से बैठ के, देखते हैं वो दिन कब आता है अपना। और आई होप आप सभी को एक वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट जरूर करना नेक्स्ट वीडियो किसी चीज़ के ऊपर बनाऊं मैं, तो इसलिए याद से जरूर कमेंट करें, आप सभी का चैनल है। तो अगली वीडियो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएगी,
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।